हेलो स्टूडेंट्स <coughs> आज हम लोग जो है चैप्टर शुरू करेंगे थ्री डिजिट थ्री डिजिट नंबर्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थ्री डिजिट नंबर्स होता क्या है सबसे पहले तुम लोग नंबर जानते हो नंबर तुम लोगों ने पढ़ा है जैसे कि वन से लेके हंड्रेड काउंटिंग करते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सारे क्या हैं पूरे हंड्रेड तक वन से लेकर हंड्रेड तुम चाहो तो इसमें कई और इसमें तुम अलग से जोड़ करके इसमें ऐड करके तुम और इसमें कई नंबर बना सकते हो तो हम लोग नंबर तो हम लोग जानते हैं कि वन से हंड्रेड तक जो हम लोग लिखते हैं लोग वो क्या है नंबर है वन टू थ्री या काउंटिंग तुम करते हो वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर ये सारे क्या है ये सारे नंबर्स आते हैं तो उसमें भी हम लोग जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये नाइन तक जो आया जैसे हम लोग लिखते हैं बोर्ड पर कि अब इसमें जो होता है, है जैसे हम लोग को पढ़ना है थ्री डिजिट नंबर्स पढ़ना है तो पहले हम लोग जानेंगे कि थ्री डिजिट नंबर होता क्या है लेकिन उससे जानने से पहले थ्री डिजिट नंबर को जानने से पहले नंबर पहले जानते हैं तो नंबर क्या है वन से लेकर के हंड्रेड उसके बाद से ये तो हो गया तुम्हारा नंबर हो गया उसके बाद से थ्री डिजिट नंबर से पहले क्या आता है टू डि, टू डिजिट नंबर जैसे तो वन हम लोग वन से लेकर नाइन लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ये सारे नंबर हैं लेकिन सारे क्या हैं सिंगल हैं कोई डबल नहीं है सभी क्या है सिंगल है अब नाइन के बाद से जो शुरू होता है क्या है टेन इलेवन टर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन आगे बढ़ जाओ जितना बढ़ना है अब ये क्या आ गए ये हो गए टू डिजिट नंबर हो गया यानी कि देखो यहाँ पर एक डिजिट और दो डिजिट यहाँ पर क्या है यहाँ पर सिर्फ ओनली वन डिजिट ये तुम्हारा जो नंबर कहलाएंगे वन डिजिट नंबर कहलाएंगे इसलिए कि वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि ना इसके आगे और ना इसके पीछे कोई डिजिट इसके अंदर इसके आगे पीछे ऐड नहीं है यानी कि जुड़ा हुआ इसके साथ नहीं है तो इसलिए क्या कहलाएंगे सिर्फ कहलाएंगे ये वन डिजिट नंबर उसके बाद से नाइन के बाद से जितने भी आते हैं टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यानी कि तुम आगे नाइन्टी नाइन तक जा सकते हो 99 ये 99 तक हम आ गए तो 99 तक क्या होगा ये मेरा क्या कहलाएगा टू डिजिट नंबर्स कहलाएगा अब 99 के बाद से शुरू होते हैं 99 के बाद से क्या आ जाएगा 100 अब 100 जो आ गया 100 101 102 103 अब इसी तरह हम आगे बढ़ जाएंगे तो अब 100 से जो शुरू हो रहा है अब ये क्या हो रहा है 100 से शुरू होता है हमारा थ्री डिजिट नंबर्स इसलिए देख लो यहाँ पर वन डिजिट टू डिजिट और थ्री डिजिट यहाँ पर तीन डिजिट मौजूद है तो वन से लेकर के नाइन वन से नाइन वन से लेकर के नाइन तक क्या होंगे वन डिजिट नंबर टेन से लेकर के पूरा नाइन्टी नाइन तक तुम्हारा क्या हो जाएंगे टू डिजिट नंबर और हंड्रेड से लेकर के अब तुम आगे बढ़ते चले जाओ नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे थ्री डिजिट नंबर्स हो जाएंगे वन से लेकर के नाइन तक अगर तुमसे कहा जाए वन से लेकर नाइन तक खर छोड़ दो टेन से लेकर के और नाइन्टी नाइन तक कहा जाए कि इनमें से तुम चाहो तो तुम कितने हैं? मतलब कि अनगिनत तुम इसमें से जो है टू जी डिजिट नंबर बना सकते हो यानी कि नंबरों को हेल्प हेर फेर करके तुम इसको नंबर बना सकते हो ठीक उसी तरह से हंड्रेड से लेकर के नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तक चले जाओ नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तक क्या होगा ये तुम्हारा थ्री डिजिट नंबर होगा तो थ्री डिजिट नंबर तुम लोग समझ में आ गए तुम लोग को इसी जगह तुम लोग जो है क्या कहते हैं प्रीवियस क्लास में तुम लोग पढ़े हो नंबर के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है और यहाँ क्या करना है यहाँ हम लोग को थोड़ा सा इससे अलग पढ़ना है तो अब देखो तो ये तुम्हारा क्या हो गया ये नंबर हमारे होगा कि यानी वन से लेकर के हंड्रेड तक हमारे पूरे नंबर हैं वन से लेकर के हंड्रेड तक पूरे नंबर और इस नंबर में वन से लेकर के हंड्रेड नंबर में हम लोग इसमें टू डिजिट भी नंबर बना सकते हैं और थ्री डिजिट भी नंबर बना सकते हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग बना सकते हैं अब देखो उसके बाद से आते हैं हम लोग हैं कि मान लो क्रिकेट खेलते हो तुम लोग सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते हो देखते तो हो क्रिकेट कि क्रिकेट में 11 प्लेयर्स का जो होता है एक टीम होती है और उसमें प्लेयर्स क्या करते हैं रन बनाते हैं स्कोर स्कोर करते हैं यानी खेलते हैं जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है स्कोर बनाता है यानी कि रन बनाता है तो मान लो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तुमको थ्री डिजिट नंबर में लिखना है कि मान लो कि धोनी धोनी ने नाइन्टी सिक्स रन जो है हमारा यानी कि स्कोर रन धोनी ने खड़ा किया 96 तो अगर तुमसे कहा जाए कि 96 में हम कितना ऐड करेंगे कि तुम्हारा जो नंबर आएगा वो थ्री डिजिट नंबर में आएगा ठीक है अगर तुमसे कहा जाए कि धोनी जो है धोनी ने 96 जो है रन बनाया और कहा जाए कि इसमें कितना हम ऐड करें कितना रन और बनाएगा धोनी कितना रन और बनाएगा या सचिन कितना रन और बनाएगा कि उसका नंबर जो आएगा यहाँ ये इसको इस, उसका जो स्कोर आएगा वो थ्री डिजिट नंबर में स्कोर उसका आएगा तो मैं सामने बोर्ड पर तुम्हारे दिख रहा है तुम बताओ कितना हो सकता है नाइन्टी सिक्स में कितना ऐड करेंगे हम कि थ्री डिजिट नंबर में जाएगा फोर ऐड करेंगे फाइव भी ऐड कर सकते हैं सिक्स भी ऐड कर सकते हैं सेवन भी ऐड कर सकते हैं यानी कि हमको थ्री से ज़्यादा जाना होगा क्यों क्योंकि जब इसमें हम नाइन्टी सिक्स में जब फोर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड कितना में आ रहा है थ्री डिजिट में आ रहा है अगर हम यहाँ पर मान लो फाइव ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा वन हंड्रेड वन हो जाएगा ये भी थ्री डिजिट में है तो थ्री डिजिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे यानी कि जितना है नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स में हम कितना ऐड करेंगे कि जो इसका स्कोर होगा धोनी का वो क्या होगा थ्री डिजिट नंबर में जाएगा तो या तो थ्री या तो फोर लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर लिखा बना है कि नाइन्टी सिक्स में प्लस फाइव हम ऐड के लेकिन हमको क्या करना है कि इसमें एकदम मिनिमम ऐड करना है यानी कि मिनिमम यानी कि एकदम कितना हम कम ऐड करेंगे कि वो थ्री डिजिट नंबर में जाएगा तो हम फोर ऐड करेंगे फोर ऐड करेंगे फोर क्या एकदम मिनिमम छोटा एकदम है तो फोर हम ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा फ़ोर जब ऐड करेंगे नाइन्टी सिक्स में हम फोर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन हंड्रेड हो जाएगा यानी कि एकदम जितना मिनिमम हम लोग ऐड करेंगे हमारा थ्री डिजिट नंबर जो है आ जाएगा उसका देखो अब हो गया तुम्हारा थ्री डिजिट नंबर जो है इसमें कुछ यानी कुछ यहाँ पर हम तुमको नंबर दे रहे हैं जिसको नंबर को तुम लोग कर लेना कि कितना उसमें मिनिमम तुमको जोड़ना है यानी कि मिनिमम हम ऐड करके तुमको क्या करना है उसको थ्री डिजिट नंबर में लाना है जैसे कि नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री में हम कितना मिनिमम नंबर ऐड मतलब नंबर जोड़ेंगे तो तुम्हारा जो है वो थ्री डिजिट में आ जाएगा यानी कि ऊपर हम यहाँ पर लिख देते हैं थ्री डिजिट नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री में कितना हम ऐड करेंगे कि वह तुम्हारा थ्री डिजिट नंबर में आ जाएगा नाइन्टी फोर नाइन्टी नाइन एट्टी टू अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें लोग ज्यादा पे जा रहे हैं लोग ठीक है यहाँ देखो 93 93 में हम कितना ऐड करेंगे कि वो थ्री डिजिट नंबर में जाएगा यानी कि मिनिमम तो वो करना है ज्यादा नहीं करना है मिनिमम करना है 94 में कितना हम ऐड करेंगे यहाँ पर थ्री डिजिट नंबर में आएगा 99 नाइन में कितना नंबर ऐड करेंगे कि वो थ्री डिजिट में जाएगा एट्टी टू में हम कितना नंबर ऐड करेंगे वो थ्री डिजिट में जाएगा एट्टी नाइन में हम कितना ऐड करेंगे कि वो थ्री डिजिट में जाएगा और सेवेंटी सिक्स में कितना हम ऐड करेंगे वो थ्री डिजिट में जाएगा ये हमारा हो गया तो इसको तुम लोग उतार लो फिर हम लोग आगे चलते हैं अब देखो तो फिर हम लोग वही आते हैं कि थ्री डिजिट नंबर में आते हैं कि जैसे वन से लेकर के नाइन तक वन से लेकर के नाइन तक तुम्हारा क्या होता है सिर्फ वन डिजिट नंबर आता है उसके बाद से टेन से लेकर के नाइन्टी नाइन टेन से लेकर के नाइन्टी नाइन तक तो कितना है तुम्हारा टू डिजिट नंबर है यानी कि उधर क्या करो नाइन्टी नाइन में तुम जो हो इधर ना नाइन निकाल दो और हंड्रेड में से नाइन निकाल दो कितना होगा गया नाइन्टी नाइन है नाइन्टी नाइन में से फिर एक और निकालेंगे ना जी तो एटी नाइन नहीं नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट टोटल नाइनटी नाइन नाइन्टी एट तुम्हारे टू डिजिट नंबर जो है वो तुम्हारे नाइन्टी एट नंबर जो होंगे वो तुम्हारे टू डिजिट नंबर होंगे फिर उसके ऐसे क्या है वन डिजिट नंबर में तुम्हारा हो गया वन से लेकर के नाइन तक उसके 10, 10 से टेन टेन से ले लेकर के नाइन्टी नाइन तक क्या हो गया टू डिजिट नंबर हो गया और फिर उसके बाद से नाइन्टी नाइन से फिर तुम आगे बढ़ जाओ नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तक यानी कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि देखो वन से लेकर के वन टू थ्री फोर नाइन तक ये तुम्हारा क्या हो गया वन डिजिट नंबर उसके साथ टेन से चलते हैं टेन इलेवन टर्टीन नाइन्टी नाइन तक ये तुम्हारा कितना हो गया क्या हो गया टू डिजिट नंबर हो गया अब यहां से नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये क्या हो गया थ्री डिजिट नंबर में चला गया अब वन थाउजेंड अब वन थाउजेंड से तुम आगे बढ़ सकते हो वन थाउजेंड वन वन थाउजेंड टू फिर ये तुम्हारा आ जाएगा फोर डिजिट में आ जाएगा लेकिन फोर डिजिट हमको नहीं जानना है हमको क्या पढ़ना है थ्री डिजिट नंबर ही हमको इसमें सिर्फ जानना है उसके से आता है कि हम लोग जो है थ्री डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे हम लोग थ्री डिजिट नंबर हम लोग कैसे बनाएंगे लोग अब देखो कि थ्री डिजिट नंबर में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा जो पिछले क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कोई भी एक नंबर ले लो मान लो हमको एक नंबर ले ले रहे हैं टू हंड्रेड सेवन थ्री डिजिट नंबर में है अगर कहा जाए इसको काउंट करने के लिए तो हम इसको कैसे काउंट करते हैं वंस टेंस, हंड्रेड जो हंड्रेड में होता है जो हंड्रेड में होता है वो तुम्हारा थ्री डिजिट नंबर में होता है जो टेंस में होता है वो तुम्हारा टू डिजिट में नंबर में होता है तो हम देखेंगे यहाँ पर टू हंड्रेड सेवन तो टू हंड्रेड सेवन को अगर हम काउंट करते हैं तो वंस टेंस हंड्रेड ये कितने नंबर में आ रहा है हमारा थ्री डिजिट नंबर में ये हमारा आता है उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि नंबर नेम तुमको तो कुछ यहाँ पर हम वर्क देते रहें घर से बनाने के लिए इसको तुम लोग करके और होमवर्क जो है तुम लोग होम स्कूलिंग जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर तुम लोग भेज देना के <coughs> राइट इन नंबर नेम इसको क्या करना है तुम लोग को इसका नंबर नेम लिखना है और भी एक दे रहे हैं इसको उतार लो पहले जब भी तुम लोग को उतारना हो जब भी तुम लोग को होमवर्क उतारना हो वीडियो का क्या करो पॉज कर दो और पॉज करने के बाद से तुम आराम से इसको होमवर्क उतार सकते हो इसके आगे होमवर्क ले लो राइट इन फिगर ये तुम लोग जानते हो प्रीवियस क्लास में तुम लोग पढ़े हो नंबर नेम और फिगर तुम लोग पढ़े हो One hundred ninety-five, three hundred eighty-eight. 300 88 फोर हंड्रेड फोर्टीन सिक्स हंड्रेड एट्टी थ्री इसको तुम एफ़ ओ यू आर टी डब्लू एन सिक्स हंड्रेड एट्टी थ्री बस इतना ही तुम लोग जो होमवर्क में कर लेना पहला जो दिए हैं तुम लोग को उसका नंबर नेम लिखना है और अभी जो दिए हैं इसका क्या करना है तुमको फिगर में लिखना है तुम लोग पिछले क्लास में पढ़े हो तुम लोग लिखे भी हो पढ़े भी हो सिर्फ़ एक रिविज़न के तौर पर तुमको जो है दिया जा रहा है उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद से अगला जो हमारा फिर शुरू होगा और बुक्स बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हो गई हैं और तुम आ कर के बुक्स जो है सुबह आठ बजे से लेकर के और दस बजे तक स्कूल में बुक्स ले सकते हो थैंक यू सो मच